हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग लिनोवो का C2C0 का ऑल इन वन है उसकी हार्ड डिस्क रिप्लेस करेंगे। हार्ड डिस्क में कुछ प्रॉब्लम है और सीपीयू फैन शायद इसका बंद है, इस वजह से मशीन गर्म होके बंद हो रही है बार बार, तो उसको चेक करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जय महाकाल दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु सोनी और टेक्निकल माफिया चैनल पे आप लोग का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों फिर खोलना शुरू करते हैं। हमने ये बिछा लिया है नीचे कवर और अब इसको उल्टा रख के और फिर इसके स्क्रूज खोलते हैं। देखिए दोस्तों, दो स्क्रू इसमें लगते हैं, इसमें भी एक तो यहाँ से खोल दिया और एक यहाँ पे इस तरफ। खोलने के बाद इसको यहां से फ्लिप करेंगे। बहुत ही इजी दोस्तों खोलना है इसको। ये देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे यहां से ये लॉक से स्क्रू गिर गया है नीचे, कोई बात नहीं। दोस्तों ऑल इन वन में कोई भी पार्ट रिप्लेस करना बहुत ही इजी है। पहली बार तो फटाफट खुल जाता है, खोलने में दिक्कत नहीं आती है। लॉक्स का थोड़ा ध्यान रखिए कि लॉक्स टूटे नहीं। कभी भी आप लैपटॉप या ऑल इन वन खोलते हैं तो लॉक्स स्क्रू से ज्यादा इसमें लॉक पे डिपेंड करता है। ये खुल गया है, ये ओपन हो गया। ये तो शायद पहले भी कहीं से रिपेयर किया हुआ दिखता है, तो हार्ड डिस्क इसमें लैपटॉप वाली लगी हुई है, तो हम इसको हटा देते हैं हार्ड डिस्क को। ये देखिए पुरानी हार्ड डिस्क हमने निकाल ली है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने ये हार्ड डिस्क इसमें से निकाल ली है, अब इसमें हार्ड डिस्क फिट करते हैं। तो ये इसका मैंने फ्लैप निकाल लिया था, इस क्लैप को हम यहाँ फिट कर देते हैं। ये देखिए आप, तो फिट करना इससे पहले काम करते हैं, इसे कनेक्टर लगा देते हैं, बड़ी इजी रहेगा। ये दोस्तों ये हार्ड डिस्क का इसके पावर है, कनेक्टर्स हैं, आप देख पा रहे होंगे। ये कनेक्ट किया, मैं आपको क्लोजअप दिखाता हूँ थोड़ा सा। ये देखिए दोस्तों, ये हमने यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया है और अभी हम हार्ड डिस्क को यहाँ फिट करेंगे। तो आप देखिए ये हार्ड डिस्क अभी फिट करते हैं। कनेक्टर लगाने के बाद ये इसका हमने यहाँ पे क्लैप लगाया और ये इसको यहाँ पे अंदर इंसर्ट कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, ये यहाँ पे टाइट हो गया एक स्क्रू। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने अंदर हार्ड डिस्क फिट कर दी है, आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए आप, ये हार्ड डिस्क सेट हो गई है। ये इसका मदरबोर्ड है ऑल इन वन का, रैम लगी हुई है, ये सीपीयू फैन का आउटपुट है, यहाँ पे डक्ट आ रही है। अभी सीपीयू फैन भी चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। इसका डीवीडी लगा हुआ है और ये इसका पीछे का स्क्रीन का पैनल है। तो फ्रेंड्स, हार्ड डिस्क सेट हो गई है अंदर। अब हम इसको एक काम करते हैं, एक बार ऑन करके देखते हैं कि ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऑन करने के लिए हमें इसको थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, और ये हम पावर केबल लगा दिए। ये इसका ऑन ऑफ स्विच, स्विच ऑफ किया। हार्ड डिस्क भी चल रही है।
फ्रेंड्स ये रेडी हो गया है। एक बार हम इसकी रैम भी निकल के साफ कर लेते हैं एक बार, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। फ्रेंड्स कोई भी आप मदरबोर्ड या लैपटॉप खोल रहे हैं तो मैंने पहले भी कहा था आपको पावर सप्लाई निकाल दें उसके बाद ही करें। हमने भी पावर सप्लाई निकाल दी है, एकदम ये ब्रश लिया है छोटा हमने, अगर कोई डस्ट वगैरह भी होगी ना तो सब निकल जाएगी। साफ हो गया है तो ये देखो आप ये एकदम रेडी हो गई है। 320 GB हार्ड डिस्क सेट कर दी हमने और ये देखिए दोस्तों, अभी हमारा ऑल इन वन पैक हो गया। अब मैं इसको आपको ऑन करके दिखाता हूँ। ऑन कर दिया मैंने अभी, ये देखो ठीक है दोस्तों, ये अभी डिस्प्ले आ गई स्क्रीन पे और रेडी है। अब इसमें विंडोज डाल देता हूँ। दोस्तों स्टार्ट करने के बाद F12 प्रेस करेंगे बायोस, जो क्विक बायोस सेलेक्ट मेनू होता है उसमें जाने के लिए। F12 प्रेस कर रहा हूँ मैं अभी, ये देखिए क्विक मेनू आ गया है सेलेक्ट करने के लिए। इसमें अपन सैंड डिस्क जो पेन ड्राइव वो सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी इसमें हम लोग विंडोज 7 इंस्टॉल करेंगे क्योंकि कस्टमर को विंडोज 7 यूजर फ्रेंड लगता है, वो पहले से इसको यूज करता आ रहा है और ऑनलाइन पुराना भी है तो ये उसको सपोर्ट भी कर जाएगा आराम से। और दोस्तों माफी चाहूंगा आपसे कि थोड़े लंबे अंतराल के बाद मतलब गैप के बाद में एक कोई नया वीडियो डाल रहा हूँ। एक्चुअली मैं मेरे फादर हुए तो वो हॉस्टल में एडमिट थे तो मैं हॉस्टल में बिजी हो गया था इसे 10-15 दिन से कोई वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए माफी चाहूंगा। अब कोशिश करूंगा कि डेली में आपको कुछ ना कुछ अपडेट देता रहूँ। हमने देखा कि Lenovo C260 All in One की हार्ड डिस्क कैसे चेंज करते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अब ये इस पे विंडोज लोड हो रहा है तो ये लोड हो जाएगा तब तक उसके बाद हम बेसिक सॉफ्टवेयर डाल के कस्टमर को वापस हैंड ओवर दे देंगे मशीन को। तो आज का ये वीडियो हम यहीं एंड करते हैं दोस्तों। वीडियो बहुत छोटा होगा मेरे ख्याल से क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगा इसको खोलने में और हार्ड डिस्क चेंज करने में, बहुत ईजी था। आशा करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करना प्लीज़ ना भूलें, कमेंट जरूर करें। ये आपके जो कमेंट्स हैं यही हमको इंस्पायर करते हैं। और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, इसी तरह से प्यार बनाए रखें। लव यू ऑल।